भगवान शनि देव को ग्रहों में सबसे प्रभावशाली माना गया है। यही वजह है कि लोग उनकी पूजा में बहुत सावधानी बरतते हैं। भगवान शनि देव न्याय के देवता हैं। चलिए आज आपको भगवान शनि देव का शनि गांव का दर्शन कराएंगे। वेलकम टू माय व्लॉग फ्रेंड। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम राजीव कुमार है। वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए आज का सफर शुरू करते हैं। ये हम आ गए हैं। ये देखिए, ये सतलुज नदी है। जैसे ही ये सतलुज नदी पार करते हैं शनि गांव आ जाता है। बहुत ही प्यारा सा गांव है शनि गांव, जहां शनि देव बहुत ही प्राचीन काल से यहां शनि देव का मंदिर है। और ये यहां पे शंकर भगवान की प्रतिमा है, बहुत विशालकाय प्रतिमा है यहां पे। और उसी के साइड लेफ्ट साइड में शनि गांव है। ये देखिए, शनि गांव में एंटर कर गए हैं। ये देखिए, यहां से लेफ्ट को मुड़ जाना है। शनि गांव में एंटर कर चुके हैं। ये रहा शनि गांव और शनि टेंपल। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। और ये यहाँ से हम प्रसाद सामग्री यहाँ से मिल जाता है। ये देखिए, यहाँ से स्लिप लेना पड़ता है। यहाँ से स्लिप लेके नेक्स्ट यहाँ पे प्रसाद ले लें। और प्रसाद लेके तो चलते हैं मंदिर की तरफ अब। ये देखिए, ये शनि देव का मंदिर है शनि गांव में। बहुत ही प्यारा मंदिर है यहाँ पे शनि देव का। बहुत ही प्राचीन मंदिर है। शनि देव न्याय के देवता हैं, कहते हैं कर्म के अनुसार ये सबको फल देते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा मंदिर है शनि देव का। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा मंदिर है ये शनि देव का। बहुत ही प्राचीन काल से ही यहाँ पे मंदिर है शनि गांव का। तो यहाँ पे कहते हैं हर मुरादें पूरी हो जाती हैं शनि गांव में आके। ये देखिए कितना प्यारा सा मंदिर है। और यहाँ पार्क भी बना हुआ है बाहर। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है यहाँ पे पार्क का। और यहाँ पे सामने लंगर भी लगता है। दोस्तों, अगर आप शनि गांव आना चाहते हैं तो लुधियाना रेलवे स्टेशन से करीब 10-12 किलोमीटर दूर पड़ता है। जलंधर बाईपास होते हुए और सतलुज नदी पार करके साइड में शनि गांव पड़ता है। तो आप यहां आके दर्शन कर सकते हैं और अपनी हर मुरादें पूरी कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ छोटा सा चिड़ियाघर भी बना हुआ है। ये बत्तख है। ये देखिए, यहाँ पे कई सारे पक्षी भी हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आके दर्शन कर सकते हैं। देखिए, यहाँ बजरंगबली की भी प्रतिमा है यहाँ पे। और यहाँ आने से मन में बहुत ही अच्छा यानी कि फील और शांति का अनुभव होता है। आप यहाँ एक बार ज़रूर आएँ। ये देखिए, यहाँ जैसे बाहर निकलते हैं यहाँ पे कैंटीन बना हुआ है। यहाँ पे चाय, नाश्ता, कॉफ़ी कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।